सो वी हैड स्टार्टेड विथ यू नो मेगा स्पोरोजेनेसिस. हम जो है हम कर रहे थे काम फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट. तो पहले हमने करना है फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर. दिस इज कौन सा ओव्यूल है जल्दी से बताओ, ऑर्थोट्रॉपस की एनाट्रॉपस सरगम एनाट्रोपिस एनाट्रोपस ओव्यूल राइट. एंड दीज आर यू नो ये सब इंटेग्यूमेंट्स है. ये दोनों हरगुन बताओ इंटेग्यूमेंट्स के जो सेल्स होंगे, ऑब्वियसली सेल्स है यहाँ पे इस तरह से ये सेल्स है. मुझे ये बताओ बेटा कि जो इंटेग्यूमेंट्स के सेल्स है ये हैप्लॉयड होंगे कि डिप्लॉयड होंगे जल्दी से हरगुन. मैम, हाँ हैप्लोइड। नहीं बेटा, अभी तक हमने मियोसिस तो कहीं पे करवाई नहीं, इसलिए अभी तक सभी सेल्स जो है वो टू एन है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स है. इज इट ओके? जब तक मियोसिस नहीं हुई तब तक सभी कुछ इन सेल इन मतलब यू नो फ्रॉम टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं. अभी हम एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो पूरा प्लांट डिप्लॉयड है जब तक किसी सेल में मियोसिस नहीं हुई. मियोसिस के बाद जो सेल डॉटर सेल्स बनेंगे सिर्फ वही हैप्लॉयड है राइट. सो दीज विल बी डिप्लॉयड टू एन. ये है. हाँ जी शिवांशी, ये क्या है? स्टॉक ऑफ द ओव्यूल क्या बोलते हैं इसको? भव्य आप बताओ, मैम स्टॉक ऑफ द ओव्यूल क्या बोलते हैं इसको? अर्णव सरगम मैम फ्यूनिकुलस। यस फ्यूनिकुलस. क्या होगा जल्दी से बताओ, ये एन की क्यू एन जल्दी से एनीबडी अच्छा, टू एन. ये है न्यू सेलस और ये भी टू है. वन सेल ऑफ द न्यू सेलस हाइपोडर्मल सेल मीन्स ये एपिडर्मिस है या पेरिफेरल लेयर है, इसके ऊपर वाला सेल वन सेल ऑफ द न्यू सेलस गेट्स एंड लास्ट एंड फंक्शन एज आर्किस्पोरियल सेल. माइटोसिस इन आर्किस्पोरियल सेल एसी का मतलब है, आप पूरा लिखना माइटोसिस इन आर्किस्पोरियल सेल. तो यहाँ पे दो सेल्स बन गए, एक पेराइटल सेल एनदर इज स्पोरोजिनस सेल. अगेन बोथ सेल्स क्योंकि माइटोसिस हुई है बेटा इसलिए अभी भी दोनों सेल्स क्या है डिप्लोइड है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दैट पेराइटल सेल्स जो है उनमें माइटोसिस होती है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेराइटल सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस फ्यू टाइम्स. पेराइटल सेल डिवाइड करके उसने तीन से चार, ये हमने तीन दिखाया है पेराइटल सेल, ये डॉटर सेल्स बने पेराइटल सेल्स के. अभी एसपी सेल में स्पोरोजिनस सेल इसने कोई डिवाइड नहीं किया, पेराइटल सेल ने डिवाइड करके दो से तीन सेल्स बनाए राइट. बट ये पेराइटल सेल्स के जो डॉटर सेल्स थे दे डीजेनरेट आफ्टर सम टाइम, ये डीजेनरेट करते. जो स्पोरोजिनस सेल था इट डायरेक्टली फंक्शंस एज मेगास्पोर मदर सेल. इज इट राइट? ठीक है जी. उसके बाद ये अब हमने क्या दिखाया, मेगास्पोर मदर सेल. अब इसमें क्या हुई, इसमें इंपॉर्टेंट यहां पे आप रेड पेन से कर लेना, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई. एक मेगास्पोर मदर सेल बना
जबकि जो मेल था एंथर था उसमें बहुत सारे मेगास्पोर मदर सेल्स बनते थे, जबकि यहाँ पे ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, उसमें एक मेगास्पोर मदर सेल बना, उसमें मियोसिस हुई और ये चार मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं ताकि आपको दिस इज लीनियर टेट्राड, इसको हम कहते हैं फोर मेगास्पोर्स और हर मेगास्पोर हैप्लोइड है क्योंकि मियोसिस के बाद बना है, ठीक है. सो दिस इज लीनियर टेट्राड ऑफ, सीधी रो में है, आपको मैंने टाइप ऑफ टेट्राड्स बताए थे, ये कौन सा टेट्राड है, लीनियर टेट्राड है, फोर मेगास्पोर्स. इसमें से तीन डी जेनरेट एंड ओनली वन मेगास्पोर टुवर्ड्स चिलाजा, ये चिलाजा है, ये माइक्रोपाइल है और ये चिलाजा है. तो एक मेगास्पोर टुवर्ड्स चिलाजल एंड इट रिमेन्स फंक्शनल, बाकी तीन डीजेनरेट कर जाते हैं. और आप ये देख रहे हो एक मेगास्पोर फंक्शनल है, ये तीन डीजेनरेट कर गए हैं एंड दिस मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. तो यहां तक मेगास्पोरोजेनेसिस खत्म हो जाती है. इज इट ओके? ठीक है, लिखोगे जरा जल्दी से स्टेप्स लिख दो. मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट डाउन मेगास्पोरोजेनेसिस. ऑल्दो मैंने साथ साथ लिखे बट फिर भी एक बार वर्ड्स में लिख लो. फर्स्ट पॉइंट, वन हाइपोडर्मल सेल ऑफ द न्यूसेलस towards micropylar end, gets enlarged and gets enlarged. I'm concerned, बोला आपने माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे माइक्रोपाइल है ना, माइक्रोपाइलर एंड गेट्स एनलार्ज्ड एंड फंक्शन एज आर्किस्पोरियल सेल. ये देखो ये लिखा हुआ है आर्किस्पोरियल सेल. सेकेंड पॉइंट आ जाइए, द आर्किस्पोरियल सेल अंडरगोज माइटोसिस. आर्किस्पोरियल सेल अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म टू सेल्स. मैम अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म टू सेल्स, दैट इज पेराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल. दैट इज पेराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल. नेक्स्ट पॉइंट है, पेराइटल सेल अंडरगोज टू टू थ्री माइटोसिस. पेराइटल सेल अंडरगोज टू टू थ्री माइटोसिस टू फॉर्म To form few daughter cells. The sporogenous cell, full stop करके, the sporogenous cell does not divide. The sporogenous cell does not divide. Next point. The daughter cells of parietal cell degenerate. The daughter cells of the parietal cell. Mom, third step hai. हाँ, next point. The daughter cells of the parietal cell
डीजेनरेट एंड द मेगास्पोर्म एंड द पोरोजिनस सेल एंड द पोरोजिनस सेल डायरेक्टली फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल. नेक्स्ट पॉइंट, मेगास्पोर मदर सेल, Megaspore mother cell undergoes meiosis. Meiosis को underline करना अच्छी तरह से. Undergoes meiosis to form one linear tetrad of haploid megaspores. Haploid megaspores. Next point hai. Out of four megaspores, comma, the three megaspores degenerate. And only one megaspore remains functional in most of the angiosperms. स्टार डाल के नेक्स्ट पॉइंट करो, मतलब नेक्स्ट तो नहीं बट स्टार डालो ये कि देखो मेरी बात सुनो पहले कि हमने कहा चार मेगास्पोर्स में से एक फंक्शनल है बट कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जिसमें दो मेगास्पोर्स फंक्शनल है और कुछ ऐसे हैं जिसमें चारों के चारों मेगास्पोर्स फंक्शनल है. तो इसलिए मैंने स्टार डाल के या बॉक्स में लिख लेना कि इन सम एंजियोस्पर्म्स comma, out of four megaspores, comma, two are functional, or all the megaspores are functional, or all the megaspores are functional. Maximum angiosperms में एक megaspore functional है, कुछ में दो megaspores functional है, कुछ में चारों के चार, तीन नहीं हम कह सकते, एक या दो या चारों के चार, but maximum में एक ही megaspore functional है. और फिर एक और star डालो और फिर लिखो In most of the angiosperms, comma, it is the chalazal megaspore which is functional. Chalazal. ये chalaza है ना? इस तरफ वाला, ये चार है, चार में से ये वाला फंक्शनल होगा, बाकी तीन डीजेनरेट कर जाएंगे. चलाजल मेगास्पोर इज फंक्शनल, है ना? फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार डाल के नहीं, नेक्स्ट पॉइंट वैसे. द हैप्लोइड मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल. द हैप्लोइड मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ female gametophyte, is the first cell of female gametophyte and develops into
complete female gametophyte called as embryo sac. Called as embryo sac in induced form. In induced form. Called as embryo sac. E-M-B-R-Y-O, embryo sac. S-A-C. Sac in induced form. तो आपने बेटा पहले तो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस के सारे डायग्राम्स बनाने हैं, साथ साथ ये लिखते भी जाना. सिर्फ डायग्राम जब क्विक रिवीजन करनी हो फटाफट से डायग्राम्स बनाओ देखो. और फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपने मुझे डिफरेंस लिख के बताना है जल्दी से. क्विकली डू इट. चलिए जी, नेक्स्ट हम कह रहे थे डिफरेंस इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस. कौन बता रहा है फर्स्ट डिफरेंस? हरगुन ने कर लिया था. हाँ जी बोलो बेटा. मैम अगर डेफिनेशन लिखी है कि फॉर्म अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इन थ्रू मियोसिस एंथर. हाँ है ना. In ovule. आ गया मेगास्पोरोजेनेसिस. हाँ जी, एनी अदर डिफरेंस? शिवांशी अर्नव आपने लिखा है तो आप भी मुझे बताओ जरा जल्दी से. हाँ जी शिवांशी, एनी अदर डिफरेंस यू हैड रिटन? नो मैम. सरगम आपने? मैम दैट हियर ओनली वन और टू और फोर मेगास्पोर्स आर फॉर्मड एंड मैम इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अ लॉट ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्मड. हाँ देखो पहली बात तो बेटा बनते तो चार ही मेगा स्पोर्स है, वन टू और फोर नहीं, चार मेगा स्पोर्स बनते हैं बट उसमें से एक फंक्शनल रहता है. राइट, डू यू गेट मी सरगम? तो सबसे सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वहां पे लिखो मेनी मेनी थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट which undergoes meiosis. And megasporogenesis में लिखिए there is only one megaspore mother cell formed. There is only one megaspore mother cell is formed which undergoes meiosis. उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने बताया था जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की थी तो वहां पे बताया था कि लीनियर टेट्राड भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, आइसोबाइलेट्रल. तो हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लिखो कि इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आर फॉर्मड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर tetrads are formed. In different plants. Megasporogenesis mein only linear tetrad is formed. Only one linear tetrad is formed in all the plants. Only one linear tetrad is formed in all the plants. And microsporogenesis mein all the microspores formed are functional. All the microspores formed are functional. Megasporogenesis mein likhiye out of four megaspores formed,
out of four megaspore forms, only one megaspore is functional. Only one megaspore is functional in most of the induced forms. In most of the induced forms. और लास्ट पॉइंट मुझे बताओ. हाँ जी, कौन बता रहा है? सरगम आप बताओ बेटा, माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप करके क्या बनाता है? हम पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन या हम स्पोरोफाइट के मीटोफाइट. मैम की मीटोफाइट. यस ठीक है. माइक्रोस्पोर डेवलप्स टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट. माइक्रोस्पोर डेवलप्स टू फॉर्म टू टू थ्री सेल मेल गैमेटोफाइट. और भव्य मुझे बताओ, मेगास्पोर डेवलप करके क्या बना रहा है बेटा? मेगास्पोर मैम. हाँ. माइक्रोस्पोर ने तो बना दिया मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर ने क्या फीमेल बनाएगा मैम? वो फर्स्ट सेल फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेटोफाइट बिल्कुल ठीक है. तो मेगास्पोर डेवलप्स टू फॉर्म सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड. मैं बताऊंगी कैसे बनता है ये. सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट ठीक है जी. अब टॉपिक लिखिए मेगा गैमेटोजेनेसिस. मेगा गैमेटोजेनेसिस. It involves development of embryo sac. It involves development of embryo sac and formation of female gamete. And formation of female gamete. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखो, ये तो मेगा गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन है. तो सी हियर कि हमने कौन सा जो मेगास्पोर था वो फंक्शनल था. चलाजल मेगास्पोर इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म. कईयों में हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, जनरलाइज. कईयों में माइक्रोपाइलर मेगास्पोर भी फंक्शनल हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट चलाजल. तो फंक्शनल चलाजल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक क्या चीज है? एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट. सिर्फ एम्ब्रियो सैक सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स में बनते हैं, बाकी किसी में एम्ब्रियो सैक नहीं बनती. ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स इट डेवलप्स फ्रॉम, मैंने आपको बताया है कि इट डेवलप्स फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर. Therefore, it is called as embryo sac is called as monosporic, right? अगर दो मेगास्पोर्स फंक्शनल होंगे, भव्य इधर बेटा ध्यान से, अगर दो फंक्शनल होंगे तो बायस्पोरिक. अगर सभी के सभी चारों फंक्शनल होंगे तो हम उसको कह देते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक. हम इट का क्या मतलब है? एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में मोनोस्पोरिक है, बट कईयों में वो बायस्पोरिक भी हो सकती है और टेट्रास्पोरिक भी हो सकती है. आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. द एम्ब्रियो सैक व्हिच डेवलप्स फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. द मोस्ट कॉमन जो अभी हम डेवलपमेंट करेंगे वो किसकी करेंगे? पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जिसमें सेवन सेल्स है और एट न्यूक्लियाई है. ये कैसे? ये हम देखते हैं. ये देखिए, पहले समझना कि ये देखो, ये है हमने कहा. अब हम पूरा ओव्यूल नहीं मैं बना रही, वो फाइनली बनाऊंगी. एक मेगास्पोर, एक चलाजल मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल है.
ये बड़ा भी, साथ साथ इसका साइज भी इंक्रीज हुए जा रहा है। इसमें हुई प्री न्यूक्लियर डिवीजन। प्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होती है? जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड करता है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। सो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई, राइट? दो न्यूक्लियाई दोनों पोल्स पे चले गए। उसके बाद फिर सेकेंड प्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई, चार बन गए, इसने डिवाइड किया, इसने डिवाइड किया, चार। फिर प्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई तो आठ बन गए। तो पहले तो आठ न्यूक्लियाई बन जाते हैं, राइट? कितनी प्री न्यूक्लियर डिवीजन से? वन टू एंड थ्री। सो न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड्स थ्राइस टू फॉर्म एट न्यूक्लियाई, ठीक है, फोर एट ईच पोल। इसमें से एक ये वाला न्यूक्लियस, एक ये वाला न्यूक्लियस, ये सेंटर में आ गया। तीन तीन पोल्स पे रहे, राइट? ये क्या है? दिस इज चलाजल पोल और ये है माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर एंड। और फिर क्या हो रहा है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है? सेल वॉल फॉर्मेशन। तो आप यहाँ देख रहे हो, ये तो चलाजल एंड है, ये तीन बन गए, फिर ये माइक्रोपाइलर एंड में दो, ये तीसरा ये, और जो सेंटर में दो न्यूक्लियस गए थे, दे गेट सराउंडेड बाय द कॉमन वॉल, राइट? तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ये मैंने क्या दिखाया? ये ओव्यूल दिखाया है। दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल, इनवर्टेड ओव्यूल है। इसमें जो मेगास्पोर है वो पहले तो छोटा सा था, अब वो बड़ा हो गया। कैसे? क्योंकि उसने सारे न्यूसेलस को खा लिया है। तो होल ऑफ द न्यूसेलस गेट्स कंज्यूम्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसा। यू नो दिस इज वॉल ऑफ द एम्ब्रियोसा। थोड़ा सा आप, अगर आपके पास, इफ यू हैव डिफरेंट कलर्ड पेन, देन यू कैन ड्रॉ इट बाहर डिफरेंट कलर। और ये दिस इज, यू नो, चलाजल एंड, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। तो वर्ड्स चलाजल एंड, there are present three cells. All three cells are haploid and these are called as antipodals. Towards micropylar end, there is present, yeah, there are present two synergids hai aur ek ye egg hai, female gamete hai, right? So these two are synergids. And this is, you know, this is egg, or this is also called as oosphere, female gamete hai. This is oosphere, or if you can see that these finger-like structures, these form filiform apparatus. If you can magnify this, then you can see these are the
this is filiform apparatus and this is nucleus. And in one way, अगर हम इसके opposite side, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे you can see it as X. But on opposite side, इसका दूसरा view लेकर आप देखेंगे. तो आप क्या देखेंगे? This is the egg. ये सिर्फ ऊपर है, इतना के नहीं है, ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा यहाँ तक आ रहा है. So this is synergids and this is the egg, right? And in the center there is a common wall. Which encloses two nuclei. और फिर ये later fuse होके diploid बन जाते हैं, but two पहले अलग अलग है. So eight nuclei, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nuclei, but how many cells? Three cells ये, and this is a single central cell. And you know, central cell is the largest cell. ठीक है, आप एक और चीज, embryo sac haploid है, सारे cells haploid है. और इसको हम central cell में दो nuclei है, n plus n, later on it becomes two. But initially all the cell, all the nuclei are haploid. Is it right? Again, you can see that in the ovule, there is formation of embryo sac at the expense of, Shivanshi, idhar beta, at the expense of nucellus. At the expense matlab, nucellus ko khakar embryo sac bani. Do you get me? किससे बनी? मेगास्पोर से. मेगास्पोर हैप्लोइड था, तो उसने माइटोसिस करके 8 न्यूक्लियस बनाए, उसके बाद सेल डिवीजन, सेल वॉल फॉर्म हुई, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल्स. सो दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल, दैट इज मेगास्पोरेंजी. इज इट ओके? ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, पहले यू नोट डाउन दिस, देन draw these diagrams, this diagram and this one also. Then I will dictate you the, you know, steps of mega gametogenesis. Right? Kar lo patapat. To ab beta, maine kya bataya ki polygonum type of embryo sac develops by 3 free nuclear divisions. 3 hoti hai, ye apne diagram mein dekha hai. Theek hai? Followed by the 3 प्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती है, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है. इट हैज, मतलब एम्ब्रियो सैक हैज, क्या है? 3 एंटीपोडल्स है, चलाजल एंड, जो बाद में जाके डीजेनरेट हो जाते हैं, कोई इनका फंक्शन नहीं है. उसके बाद है एग अपरेटस एट माइक्रोपाइलर है, उसमें 2 सिनर्जिड्स है और 1 एग है. सिनर्जिड्स में क्या है? सेलुलर थिकनिंग्स है, जिनको क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटर. इनका इंपॉर्टेंट रोल है कि जब पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इनको क्या कहता है कि भी इधर आओ, ये तुम्हारे लिए रास्ता है, और यहाँ पे आकर पोलन ट्यूब खुल जाती है और देन इट लिबरेट्स द मेल गैमेट्स, वो हम लेटर ऑन करेंगे. तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का ये फंक्शन है. उसके बाद the egg is the, you know, largest cell of egg apparatus. ये क्या है? Egg apparatus इसका largest cell है and is the female gamete. ठीक है जी, next हम आ जाते हैं बेटा. ये तो हमने इसका पॉइंट कर लिया, ए एंड बी, एंड देन
द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड सेल क्या है इसका? थर्ड है इन द सेंटर, इज प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट है बेटा? सेंट्रल सेल. और जो सेंट्रल सेल है वो याद रखना है, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल. एंड अनदर इज, इट इज बायन्यूक्लिएटेड, हैविंग टू हैप्लोइड न्यूक्लियाई. इट लेटर ऑन फंक्शन क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म्स द न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म. सो आफ्टर यू कैन से, अगर हम थोड़ा सा और बात करें, ट्रिपल फ्यूजन, हम बताएंगे कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है. इट फॉर्म्स न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर एम्ब्रियो. न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या? एंडोस्पर्म. राइट, सो दिस इज पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो. समझ में आई? इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, पहले आप ये करो, लिखो, एंड देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस. बेटा इनमें ये बताना है कि एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, मेगास्पोरोफिल क्या है ये, और यहाँ पे प्लॉइडी लेवल बताना है, एन है कि टू एन है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, ये बताना है यहाँ पे जल्दी. देखो बेटा, पहला है माइक्रोस्पोरोफिल, और अर्नब ने ठीक बताया, इट इज स्टेमन. भव्य, मेगास्पोरोफिल क्या है? मैम कार्पल. कार्पल या पिस्टिल, एक ही बात है. हरगुण, मेगास्पोरेंजिया. हम ओव्यूल. ओव्यूल. शिवांशी, मेल गैमेटोफाइट. मैम पोलन ग्रेन्स. वेरी गुड, पोलन ग्रेन्स. सरगम, माइक्रोस्पोरेंजिया. मैम एंथर. एंथर तो नहीं, पोलन सैक्स हम कह सकते हैं. एंथर में माइक्रोस्पोरें, टेट्रास्पोरेंजिया है ना, सो इट इज पोलन सैक्स. अर्नव, फीमेल गैमेटोफाइट. अभी तो हमने किया बेटा, जल्दी से. भव्य, मेगास्पोरोजेनिस. बेटा फीमेल गैमेटोफाइट का क्या नाम है? हरगुन. मैम एम्ब्रियो. एम्ब्रियो सैक बेटा, एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो तो आगे बनेगा, इट इज एम्ब्रियो सैक. This is female gametophyte. चलिए जी, इधर आ जाओ. हाँ जी भव्य, न्यूसेलस क्या है? हैप्लोइड की डिप्लोइड? हैप्लोइड. हाय रब्बा, ध्यान से देखो बेटा. देख मेरी बात सुन. सभी, सबसे पहले हैप्लोइड स्ट्रक्चर क्या आता है? माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर. और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या है? माइक्रोस्पोर ने बनाया वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल और दो मेल गैमेट्स, यही हैप्लॉइड है. और फीमेल में हैप्लॉइड क्या आ जाएगा? मेगास्पोर. मेगास्पोर के बाद एम्ब्रियो सैक के जितने स्ट्रक्चर्स हैं, एंटीपोडल्स, देन सिनर्जिड्स, देन एग, देन ईच न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल, यही तो हैप्लॉइड. उससे पहले तो सब डिप्लॉइड है. चलिए अब बताओ भव्य, न्यूसेलस क्या है?
It is 2N. Hargun, microspore mother cell. 2N. 2N. Sargam, tepitum. Sargam. Chalo, Shivanshi, aap batao. Tepitum. Ma'am. Haan, haan, Sargam, bolo. Ma'am, binucleate. Binucleate. I'm diploid. Hai. Nahin, two nuclei to hai. But her nucleus ka ploidy level kya hai? NK2N. Ma'am, N. Ma'am, haan. Wall layer. Sorry, ma'am. Haan, 2N. 2N है, wall layer है, ठीक है, और उसके बाद, next आ जाता है, शिवांशी, आप बताइए, vegetative cell, ma'am, 2N, बेटा, vegetative cell किसका है, pollen grain का cell है, आप बताओ, क्या होगा, N, N होगा, Arnav, microspore. Microspore, beta. Meiosis se bana hai. So it will be N. Bhavya, synergid. Near diploid plant, haploid hoga. Haploid hoga, N. Achha, new cellus to pehle bhi aa gaya hai. So ye to humne nahi karna. Next, Hargun. हाँ आप बताओ. Funiculus क्या होगा बेटा Hargun? I'm 2N. 2N. Sargam, middle layers, जो wall layers हैं anther की. I'm 2N. 2N. Shivanshi, endothecium, again the wall layer of anther. 2N. 2N. Arnav, embryo क्या होगा? Fertilization ke baad embryo, fertilization, zygote ke baad, 2N. Bhavya, synergids. Ma'am, abhi, ma'am, diploid. Ma'am, abhi, hua jo tha, ma'am, parega. Female gametophyte ka hai, to N. Hargun, F kya hoga? Ma'am, N. N. Sargam, male gamete. I'm N. N. Shivanshi, filament. You know, anther ka structure hai filament. Ma'am, N. 2N. Abhi meiosis, but it's anther ka part hai. Ya, stamen ka part hai, so 2N. Connective. Arnav, again stamen ka part hai, do anther lobes jude huye hai. 2N. Bhavya, ovary wall. Diploid, 2N. Hargun, stigma. Ma'am, 2N. 2N. Leaf, root, stem, ये सब 2N है. Haploid structures बहुत थोड़े से हैं. ठीक है? कर लो, ये note कर लो. कर लिया सबने? Yes, ma'am. चलिए, next हम आ जाते हैं बेटा. Next step आ जाता है pollination. Pollination क्या है? ये stamen है.
ये पिस्टिल है, यहां से पोलन ग्रेन्स कहां पे पहुंच रहे हैं, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, दिस इज पॉलिनेशन, राइट। अगर दिस इज थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमंस एंड दिस इज पिस्टिल। If the flower is bisexual and the pollen grains, they are moving to the stigma of the same flower, this is called as autogamy or self-pollination. Then another is, this is plant A. This is plant B of same species, obviously. But here, this is, you know, pollen grains. Ek plant se dusre plant pe ja rahe hai. This is called as cross-pollination or it is called as allogamy, also called as xenogamy. Self-pollination is autogamy, cross-pollination is allogamy or xenogamy. And there is third condition, पहले देखो यहाँ पे, this is male flower, this is female flower, plant X, and the pollen grains are moving from this flower to this flower of same plant. This is called as geitonogamy. If the pollen grains are moving from one flower to another flower of the same plant, this is geitonogamy. पहले ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। एक होता है मोनोशियस, इट इज मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस का क्या मतलब है, वन प्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब है दिस प्लांट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ बोथ टाइप्स। मेल फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पे है, सच एज इसकी बात हम कर रहे हैं, सच एज कुकरबिट्स, मेज, कैस्टर, कोकोनट पाम, इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, मेल फ्लावर अलग है फीमेल, बट दोनों के दो एक ही प्लांट में मिलते हैं। बाइसेक्सुअल तो मैक्सिमम आर बाइसेक्सुअल। अनदर इज, ध्यान से सुनो, डायोशियस प्लांट्स और
unisexual plants. इसका मतलब क्या है कि either male plant or female plant. Male plant पे सारे स्टेमिनेट फ्लावर्स होंगे, फीमेल पे सारे पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसकी आ जाती है, वन इज डेट फर्म, अनदर इज पपाया. है तो बहुत सारे, बट ये दो एग्जाम्पल्स कॉमन है, डेट फर्म एंड पपाया. अब यहां पे देखो, ये जो फ्लावर है ये सेल्फ पॉलिनेशन किसमें हुई थी, मोनोशियस प्लांट्स हैविंग बायसेक्सुअल फ्लावर्स, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी. क्रॉस पॉलिनेशन किसमें होगी, डायोशियस प्लांट्स में. ठीक है, तो डायोशियस में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगी. मोनोशियस यूनिसेक्सुअल में गेटोनोगैमी हो सकती. इज इट ओके? ठीक है, तो पहले ये बना लो और ये भी लिख लो, राइट. डायोशियस में ओनली क्रॉस पॉलिनेशन, मोनोशियस प्लांट जिसमें मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग है बट सेम प्लांट पे है, वहां पे ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड, हो ही नहीं सकती. बट गेटोनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स. और एक तीसरे आ जाते हैं, दैट इज मोनोशियस प्लांट्स विथ बायसेक्सुअल प्लांट्स. कैन शो, कंडीशंस अभी हम करेंगे, कैन शो बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तीनों चीजें, दोनों चीजें हो सकती है. और यहां पे एक पॉइंट और लिखना है. लिख लिया, यहां तक कर लिया बेटा सबने? नो मैम. एक चीज ये छोड़ के, जगह छोड़ के एक पॉइंट और लिख लेना, साइड वाला मिटा दो, ये वाला रब कर दो. जो बेटा गेटोनोगैमी है, राइट डाउन, ये आपने गेटोनोगैमी के नीचे लिख लेना. गेटोनोगैमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज बोथ द फ्लावर्स आर, बिकॉज बोथ द फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट आर जेनेटिकली सिमिलर, आर जेनेटिकली सिमिलर. बट इकोलॉजिकली, इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज इट रिक्वायर्स सम एजेंसी, बिकॉज इट रिक्वायर्स सम एजेंसी टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. इट रिक्वायर्स सम एजेंसी, मतलब चाहे वो हवा है, चाहे इंसेक्ट्स है, कुछ भी है, टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. तो हम जो बेटा गेटोनोगैमी है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये प्योरली सेल्फ पॉलिनेशन है या प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा कि इकोलॉजिकली क्या है या जेनेटिकली क्या है, राइट. सो बेटा दिस इज ऑल फॉर टुडे.
जिसका रहता है वो लिख लो, अदरवाइज दिस इज फॉर टुडे. ओके बेटा, बाय बाय.